लोग जाहिल है ना जो जाएंगे, कभी भी नहीं। अगर इसने ज्यादा लेके देनी होती, इसने 4 साल को मत की है, महंगाई की जगह ये ज्यादा लेके देता हमें। तो एक चीज पता, हमने चोर पकड़ने हैं। बीटी वाले खुद चोर हैं, दूसरों को क्या कहते हैं। चोरी पकड़ने से फिर ऐसे चोर लगता किसी थाने में लगता। फर्स्ट ही हैज टू गो एंड देन एवरीबॉडी हैज टू फॉलो हिम। बवा चौधरी भी बेचारा डरा भरा, ये तो शादी करने लगा है दुबई में। क्या कहे, बंदा नशे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनलाब्दी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज करने का ऐलान कर दिया है। हकीकी आजादी की बात करने वाले इमरान खान साहब लोगों को क्या हकीकी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं, और क्या लोग जाएंगे भी सही के नहीं? क्या परवेज इलाही साहब उनके कहने पर जाएंगे जेल में? क्या जो बच्चे उनके हैं उनको वो बुलाएंगे इससे पहले के कौम के बच्चों को जेल में धकेलें? और इसके साथ साथ क्या बुशरा बीबी साहिबा, क्या जो दूसरी फरा गोगी साहिबा और इस तरह के लोग हैं वो जाएंगे जेल, और जो लोग पहले जेल में थे वो जमानतें क्यों ले रहे हैं? अगर जेल भरो तहरीक ही चलानी है तो फिर फवाद चौधरी की जमानत क्यों ली? फिर शेख रशीद साहब क्यों जमानत लेना चाह रहे हैं? और इमरान खान साहब खुद अपने मुकदमात में क्यों नहीं पेश हो रहे? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, आपका क्या ख्याल है लोग जाएंगे जेलों में? मुश्किल ही है। क्यों? लोग रोडों में पता नहीं कैसे जाते हैं, ये तो फिर भी जेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये बताएं, ये तो कहते थे हकीकी आज़ादी लेके देनी है, तो हकीकी आज़ादी जेल में होती है, वो तो हकीकी गुलामी होगी। वो तो गुलामी करवाएगा ना हमारे पाकिस्तानी आवाम को फिर। अगर इसने हकीकी आज़ादी लेके देनी होती, इसने 4 साल हुकूमत की है, महंगाई की जगह ये आज़ादी लेके देता हमें। पाकिस्तान का खजाना वो सारा खुद ले गया, अब ये कह रहा है मेरे साथ जेल चलो, वाम पागल तो नहीं होगी ना? कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। परवेज लाई जाएंगे जेल में? मैं नहीं मानता इमरान खान के साथ। नेवर एवर। क्यों? नेवर एवर को, मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं, उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है। वो बंदा उस गाड़ी पर चढ़ा हुआ जिसको किसी बंदे को वो गाड़ी चलानी नहीं आती, बस वो चलाई जा रहे हैं और वो गाड़ी वज्जी जा रही है। मतलब मुल्क हमारा गाड़ी है और वो सारे अनपढ़ जाहिल जो है वो गाड़ी पे सवार। यानी मंजिल कोई नज़र नहीं आ रही भाई, मंजिल कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने टाइम में क्या किया है? कुछ तरक्की किया है, कुछ ज़मीन बनाई है, कुछ किया है। जिस दिन नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ आए, अगले दिन सारे तमीराती काम शुरू। कहते हैं ना कि आज़ादी लेके देनी है, इन्होंने क्या लेके देना सर? इनको कुछ पता ही नहीं है, बस इनको एक चीज पता, हमने चोर पकड़ने हैं, चोर पकड़ने हैं, दैट्स इट। इनको कुछ नहीं आता, काम करना नहीं आता, इनको सियासत नहीं आती, इनको मुल्क चलाना। चोर वो हैं जेल में, ये आम आवाम को लेके जा रहे हैं। सर आम आवाम के घसीटा ले रहे हैं ना, मतलब हम लोगों के थ्रू ये चल रहे हैं, मतलब हम लोगों से जो है हमदर्दियाँ का ठीक करके। तो खान साहब के पास सिर्फ यही है, इसके अलावा उसके पास खान साहब खुद जाएंगे जेल? नेवर एवर को जाएगा, भी तो सिर्फ शो ऑफ के लिए पीछे से निकल जाएगा। इंशाल्लाह इमरान खान के लिए जाएंगे जेल में जाएंगे। हाँ जी, तो इमरान खान साहब खुद जाएंगे जेल में? खुद भी जाएंगे, वो जब जो कहते वो करते हैं। नहीं तो पहले वो जाएंगे या पहले आप जाएंगे? जब जाहिर बात उसने ऐलान किया तो वो भी पहले जाएंगे, फिर हम भी जाएंगे उसके साथ यार। तो अगर उन्होंने खुद जाना होता तो वो अपनी जमानतें क्यों करवा रहे हैं और जो है वो मुकदमों में पेश क्यों नहीं हो रहे? वो खैर पेश इसलिए नहीं हो रहा कि वो उस पर खार मुकदमे झूठे, वो कहता है कोई खर्च मेरे सामने लाओ मैं आता हूँ। मेरी जान इमरान खान। तो इमरान खान साहब खुद जाएंगे जेल? हमने जाने देने नहीं उसको। नहीं तो तहरीक तो खुद से लीडर शुरू करते हैं ना। तहरीक जो है ना वो कारकुन चलाते हैं, लीडर सिर्फ बैठ कर मजे करते हैं जमान पार्क में, सुकून मारते हैं। वो कह रहा है वो हमारे लिए सोच रहा है कुछ। तो सोच रहा है क्या, खुद जेल जाए ना पहले फिर आपको कहें। सर इंशाल्लाह वो एंड के ऊपर जाएगा। कौम के बच्चों को तो वो कह रहे हैं, अपने बेटों को बुलाएंगे बाहर से क्या आपके जेल जाए? खान साहब के बच्चे सियासत के अंदर है ही कोई नहीं। हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है। अच्छा तो इमरान खान साहब खुद जाएंगे जेल? क्यों नहीं जाएंगे? कब जाएंगे? सबसे पहले वही आगे लगे। फिर वो जमानतें क्यों ले रहे हैं, केस क्यों लड़ रहे हैं अपने? अगर जेल ही जाना तो जाएं, तो जाहिर बात है ना उनका राइट है। क्या राइट? क्योंकि वो किसी भी किस्म की वो वायलेशन नहीं जाते हैं। कभी भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये काम जो है ना यूथ का है, और यूथ जो है वो मोबाइल पकड़ कर बैठी हुई है। नेक्स्ट चीज जो आनी चाहिए वो यूथ के लिए आनी चाहिए, सारे यूथ को जाना चाहिए। नहीं तो इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी की बात करते थे, तो नौजवानों को जेल में भेजने से हकीकी आज़ादी मिलेगी? ऑफ कोर्स। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वी आर वन ऑफ द कंट्रीज वेयर यूथ इज़ द मैक्सिमम, हमारी जवान कौम बहुत है। नो क्यों? मुझे पसंद है, मुझे उससे नफरत है सख्त। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से नहीं पसंद। मैं एक दफ़ा उसके जलसे में गया था तो मैंने अपना मोबाइल ही खो दिया उधर। अच्छा। उसके बाद मुझे उससे नफरत हो गई है। तो इमरान खान साहब ने निकाला था आपका यार? मैं जलसे पे तो उसके गया था, वहाँ तो उसकी की आई थी ना,
तो इसलिए उसके बाद मैं उसके जलसे पे जाना छोड़ दिया। पीटीआई वाले तो कहते हैं दूसरे चोर हैं। नहीं, पीटीआई वाले खुद चोर हैं, दूसरों को क्या कहते हैं। इमरान खान ने अगर चोरी पकड़ने, उसने शुरू से आगे अब तक चोर 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 हो रहा है, अगर उसने चोरी पकड़ने से फिर एसएचओ लगता किसी थाने में लगता। अच्छा। मुल्क जो अच्छा वाला है स्टेबिलिटी पे थाने में जा रहे ना, कह रहे गिरफ्तारियां, वो तो एज अ मुलजमान जा रहा है ना, एसएचओ लगता जाके उसने चोर गिरफ्तार करने है ना, वो देख रहे हैं कि अंदर जाके चोरों के साथ कोई अलग सलाग बनाए फिर पता चले कि चोर कैसे। सर खुद वो इतना बड़ा क्या के बंदा नशेई है। फर्स्ट ही हैज टू गो एंड देन एवरीबॉडी हैज टू फॉलो हिम। अच्छा, अगर आप समझती हैं कि कौम के नौजवानों को जाना चाहिए और कौम के बच्चों को जाना चाहिए, तो इमरान खान साहब को अपने बच्चे भी बुलाने चाहिए फिर। इमरान खान को हाँ अपने बच्चे भी, लेकिन उनकी कुछ ऐसी वो है, आई मस्ट से कि कोई पॉलिटिक्स का कुछ ऐसा है कि ही हैज केप्ट हिज चिल्ड्रन आउट ऑफ इट, क्योंकि ये कोई विरासत नहीं है। अगर इन्होंने जेल में ही जाना है तो फिर ये जमानतें क्यों ले रहे हैं दूसरों की। वो फवाद चौधरी भी बेचारा डरा भरा, ठीक है खान साहब खुद भी उनके मतलब क्या कहे, ये भी बात है। फिर उनको भी अंदर ही रहने दे, साथ में खुद भी चला जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लोगों के बच्चों को तो कह रहे हैं, अपने बच्चों को बुलाएंगे बाहर से जेल के लिए, मुश्किल ही है। ये तो शादी करने लगा है और पता है किसी को, ये दुबई में और शादी करने लगा। हाँ इमरान खान साहब और शादी किससे? दुबई की वो एक लड़की, उसने इसको प्रपोज किया है। अच्छा, उससे उसने बोला मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा देती हूँ अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो। और आपने मान लिया? हमने सुना है ना। अच्छा मुझे ये बता दें कि ये लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि जाओ जेल में, जेल भरो तहरीक, ठीक है, अपने बच्चे बुलाएंगे बाहर से? नहीं बुलाएंगे, कभी भी नहीं बुलाएंगे। तो फिर लोगों आते ही नहीं है, लोग जाहिल है ना जो जाएंगे, वो जाहिल हैं जो जाएंगे, उनका बनता ही नहीं है। जेल नहीं जाना चाहिए ना, क्यों जाना? की आज़ादी जेल जाने से मिल जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हकीकी आज़ादी के दावे करते थे, क्या जेल भरो तहरीक उसका ही कोई हिस्सा है, और इमरान खान साहब जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं क्या उनके कहने पे लोग जेल में जाएंगे या नहीं, और लोग जमानतें क्यों ले रहे हैं इनके अपने ही। लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।